बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है और आज उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या 2024 में यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए बरकरार है क्योंकि कार्यकर्ताओं की मांग है नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ें। आपको बता दें, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था उसमें उन्हें सफलता भी मिली। तमाम जितने विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, गैर भाजपाई दलों के नेता हैं, वो एक साथ आए, एकजुट हुए और कई बैठकें भी हुई। अब अगली बैठक महाराष्ट्र में होनी है, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी, ये दावा किया है बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने। वहीं सबसे नाकाम प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक के नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। दरअसल लोकसभा चुनाव है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, हमने जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बात की है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े, यूपी के फूलपुर से, क्या लगता है? इसमें कहाँ कोई संदेह है और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर का और बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है और आज उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते, हम लोग का व्यक्तिगत चॉइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़े। बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री है, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं और जहाँ से लड़ेंगे वहीं से चुनाव जीतेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके पार्टी के कोई भी 40 में 40 सदस्य का हम लोग पूरे दावा करते हैं कि एक भी सीट वो नहीं निकाल पाए। विजय सिन्हा ने दावा किया कि वो एक साथ आ रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह का बात कर रहे हैं। अगर उनमें काबिलियत होता प्रधानमंत्री का तो मणिपुर में इतना बड़ा घटना नहीं होता। उन्होंने युवा को भरोसा दिलाया था कि हम नौकरी देंगे, उस पर वो खरा उतरते, बेरोजगारी दूर करते और जो महंगाई है चरम सीमा पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए उनसे बड़ा नाकाम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर आज तक कोई नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ तंज कसा है बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने। वहीं नीतीश कुमार जहां से कहेंगे बिहार की किसी भी सीट से वह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जहां तक बात यूपी की है तो यूपी में भी लोगों की इच्छा है और अगर वहां से भी चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं और जितना उनका तजुर्बा रहा है, जितना उन्होंने काम किया है, इसको लेकर भी अब दावे किए गए हैं। आपने सुना है क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।